ओला नाम नाम ने हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं बहुत अच्छा हूँ, एंड होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने गांव के बाद, ऐसा जगह जहाँ पे लोगों का खेती होती है और उनके पर्सनल पेड़ पौधे वगैरह सब होते हैं, बगीचे वगैरह सब होते हैं, छोटे छोटे बगीचे होते हैं, तो हमारा भी है। तो उसी जगह पर आज घूमने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, आप हमेशा तो बने रहो, हम तरह तरह के एंगल से आपको दिखाएंगे गांव का कुछ अलग सा व्यू। तो आपको जो ये दिख रहा है सामने, ये छोटा सा जंगल है और इसके जस्ट बगल में एक छोटी नदी है। इस नदी में पानी अभी नहीं है, इसमें पानी बारिश के टाइम में भरती है या फिर बाढ़ के टाइम में। अभी ये सूखा पड़ा हुआ है और ये हरा भरा जंगल दिख रहा है। इस तरह से ये छोटा सा भी आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। और ये छोटा सा ये घर भी है, जो लोग यहाँ के लोग जो है अपने फसल का देख रेख करने के लिए छोटा सा घर भी बना के रखा है। ये मेरा भतीजा है, बड़ा वाला भतीजा, नाम क्या है? हिमांशु। और ये छोटा वाला है, ये बहुत बदमाश है, नाम क्या है बउआ? हाँ, तो ये दोनों मेरे साथ घूमते रहता है। मैं जब भी घूमने के लिए निकलता हूँ बाद की तरफ अपने गांव में, तो दोनों भतीजे मेरे साथ हमेशा घूमने के लिए निकल पड़ता है। अगर साथ में नहीं ले जाऊं तो बहुत रोने लगता है, तो इसलिए मुझे इसे ले जाना ही पड़ता है। तो मैं निकलता हूं शाम के टाइम में, तो शाम के टाइम में कम धूप रहती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों को ले कर निकलता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। अभी 5:05 बज रहा है, तो अभी धूप कम है, तो गांव में अभी बहुत तेज धूप रहती है, तो निकलना थोड़ा दोपहर को मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही शाम ढलती है तो हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं। तो अभी घूमने के लिए निकला था, अच्छा लग रहा है, और अपने खेत के आसपास ही हैं, और यहाँ एक छोटा सा ये जंगल टाइप का है, तभी यहीं पर रुका हुआ हूँ। यहाँ कुछ कटाई हो रही है बांस की, तो यहाँ कटाई होने के बाद फिर हम आगे निकलेंगे। ये है बांस का पेड़, देख सकते हो कितना घना पेड़ है ये। हमने अभी ये दो कर्ची काटा है, ये दोनों काटने में दिक्कत नहीं होती है, बाहर निकालने में बहुत दिक्कत होती है, बांस को बहुत दिक्कत, फिर भी काट रहे हैं किसी तरह से। बुआ कौन भाषा में बजे हिमांशु रे, हिमांशु धीरे 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 आओ, धीरे धीरे आओ। पाजी ना ओला नाम ना, ओला नाम नाम ने मम्मी किधर है? मम्मी मम्मी किधर है? अच्छा, ये मम्मी है, मम्मी भाग रही है, शर्मा के भाग रही है। दादाजी दादी जी कहा? अच्छा, मुंह में क्या खा रहा है? मत खाओ, कचरा है, बीमार पड़ जाओगे। हाँ, तब थी आयु पढ़ के कितने बजे स्कूल से आया? 3 बजे ना, 3 बजे। हाँ, कल कितने बजे जाओगे पढ़ने के लिए? 2 बजे देता है लंच, 2 बजे देता है। कल कितने बजे स्कूल, कितने बजे जाते हो पढ़ने के लिए? स्कूल पढ़ने के लिए कितने बजे जाते हो? दोस्तों, अभी हम जहाँ जिस जगह पे अभी खड़े हैं, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे गांव का जो है सेंटर पॉइंट है। ये हमारे गांव का मतलब बाद का, मतलब कि फसल वाले जगह का सेंटर पॉइंट है। और ये बहुत ही मतलब कि
मतलब घनी फसल वाला ये जगह है। आप देख सकते हो यहाँ पे गेहूँ की फसल के अलावा और भी फसल आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये अरहर की खेती देख सकते हो, और कुछ फसल ऐसी है जो अभी जमीन में ही है। मुझे नहीं आइडिया कि कौन सा फसल है, क्योंकि मैं अभी बॉम्बे से आया हूँ तो मुझे उतना आइडिया है नहीं। यहाँ रहूँगा कम से कम एक महीना, तो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। तो अभी इस तरह का अभी सीन है और लगभग गेहूँ की जो फसल है पक के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो पूरी तरह से सूख गया, यानी कि ये पूरी तरह से पक गया है। अब एक से दो दिन में इसकी कटाई होने वाली है, तो ऐसा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पर मैं और मेरा भतीजा आयुष बाबू, इधर देखो ऊपर देखो, हम दोनों अभी यहाँ पर रह गए हैं। बाकी मेरे मम्मी पापा और भाभी आगे निकल गई है और हम लोग अभी बीच बाद में है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ गेहूँ की फसल आपको दिख रही होगी, देख सकते हो आप, और हम लोग अभी बीच बाद में फंसे हुए हैं। और यहाँ से अभी धीरे धीरे चल के जाएंगे, आधा किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।